दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए एक न्यू एपीएन सेटिंग लेकर आया हूं, जिसे अपने फोन में कर लेने के बाद आपके फोन में इंटरनेट रॉकेट के जैसा फास्ट चलने वाला है। चाहे आप घर के अंदर हों या फिर घर के बाहर, आपको फुल नेटवर्क के साथ हाई स्पीड में इंटरनेट मिलने वाला है। और दोस्तों चाहे आपके फोन में किसी भी कंपनी का सिम क्यों ना हो, एयरटेल हो, जियो हो या फिर वीआई हो, आप ये न्यू एपीएन सेटिंग सब में कर सकते हो। उसके बाद आपके फोन में इंटरनेट 5G से भी तेज चलने वाला है। तो अगर आप इस न्यू एपीएन को अपने फोन में सेट करना चाहते हो तो वीडियो को ध्यान से और एंड तक देखना, और साथ में लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आइए दोस्तों आज कुछ नया सीखते हैं। तो आइए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि आप इस न्यू एपीएन को अपने फोन में कैसे सेट करेंगे, जिसे करने के बाद आपके फोन में इंटरनेट सुपर फास्ट स्पीड में चलने वाला है, चाहे आपका फोन 4G ही क्यों ना हो। तो यहां से दोस्तों अब आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपने फोन में इस मेन सेटिंग्स वाले पेज को ओपन करना है। सेटिंग्स के पेज को ओपन करने के बाद ऊपर साइड में ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा मोबाइल नेटवर्क, या फिर हो सकता है आपके फोन में इसके जगह पे ऑप्शन मिले कनेक्शन के नाम से, या फिर नेटवर्क एंड इंटरनेट, या फिर सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क। उस पर क्लिक करना है, अपने सिम पे क्लिक करना है। इस पेज पे नीचे साइड में आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्सेस पॉइंट नेम, इस पे क्लिक करना है और आपके सामने ये इंटरफेस निकल के आएगा, जहां पे आपको कुछ डिफॉल्ट एपीएन देखने को मिलेंगे। इसी पेज पे नीचे साइड में या फिर ऊपर साइड में आपको ये प्लस का आइकन दिखेगा, या फिर जब आप इस 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो यहां पे आपको ऐड का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। और दोस्तों ये न्यू एपीएन का पेज ओपन होगा, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है, एक फॉर्म के तरह, ठीक है। अब इस पेज पे यहां से दोस्तों आप थोड़ा ध्यान देना, इस पेज पे पहला ऑप्शन है नेम, इस पे आपको क्लिक करना है और इसमें टाइप करना है स्पीड बॉट स्पेस जेन एक्स 4.1। स्पीड में एस कैपिटल होगा, बॉट में बी कैपिटल होगा और जेन में जी कैपिटल होगा, इस तरह से आपको टाइप करना है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है एपीएन, इस पे क्लिक करना है और इसमें आपको टाइप करना है SB5G@4.1। ये सारा स्मॉल में होगा, ठीक है। अगला ऑप्शन है प्रॉक्सी, इसमें कुछ नहीं करना है। उसके बाद अगला ऑप्शन है पोर्ट, इसमें भी कुछ नहीं करना है, आपको आ जाना है यूजर नेम में। यूजर नेम में दोस्तों आपको टाइप करना है स्पीड बॉट 24, ठीक है। यूजर नेम में ये टाइप करने के बाद स्पीड बॉट स्मॉल में होगा। इसमें ये टाइप करने के बाद पासवर्ड में आपको कुछ टाइप नहीं करना है, सीधा आपको आ जाना है सर्वर में। इसमें आपको टाइप करना है 3 बार W, उसके बाद google.com, गूगल में दोस्तों जी कैपिटल होगा, इस तरह से आपको टाइप करना है। उसके बाद अगला ऑप्शन है MMSC, कुछ नहीं करना है। MMS प्रॉक्सी, इसमें भी कुछ नहीं करना है। MMS पोर्ट, इसमें भी कुछ नहीं करना। MCC और MNC, यहाँ पे आपको ये डिफॉल्ट कोड दिखेंगे, ये कोड एरिया के हिसाब से होता है, आपके एरिया में ये कोड हो सकता है कुछ और हो, ठीक है। तो इसमें भी आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। इसके बाद अगला ऑप्शन है ऑथेंटिकेशन टाइप, इस पे आपको क्लिक करना है और इसमें ये लास्ट वाला ऑप्शन पैक और चेक, इसको सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद दोस्तों एपीएन टाइप, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको आना है एपीएन प्रोटोकॉल, इस पे क्लिक करना है और इसमें ये लास्ट वाला ऑप्शन IPv4/IPv6, उसे आपको यहां पे सिलेक्ट करना है। फिर अगला ऑप्शन है एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल, इसमें भी आपको ये लास्ट वाला ऑप्शन IPv4/IPv6 को ही सिलेक्ट करना है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ये वाला बियर, इस पे क्लिक करना है और दोस्तों बाय डिफॉल्ट ये नॉट स्पेसिफाइड पे सिलेक्ट होगा, इसे आपको यहां से अनचेक करना है। और पहला ऑप्शन आपको यहां पे सिलेक्ट करना है LTE, उसके बाद HSPAP, उसके बाद आपको आना है नीचे और यहां पे सिलेक्ट करना है UMTS, उसके बाद EDGE और GPRS, उसके बाद से आपको आ जाना है EHRDP, इसको सिलेक्ट करना है। और एक और ऑप्शन आपको यहां पे सिलेक्ट करना है 1XRTT। अगर दोस्तों आपका फोन एक से ज्यादा बियरर को सपोर्ट नहीं करता है, फिर उस केस में आपको सिर्फ LTE को सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये करने के बाद अब दोस्तों आपको यहां से बैक आना है और ये लास्ट में एक ऑप्शन दिखेगा MVNO टाइप, इस पे सिलेक्ट करके आपको इसके अंदर नन को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इतना करने के बाद ऊपर टिक पे क्लिक करना है और इस एपीएन को आपको पहले सेव कर देना है। टिक पे क्लिक करेंगे सेव हो जाएगा, या फिर ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करेंगे सेव का ऑप्शन मिल जाएगा। सेव करने के बाद अब वो एपीएन आपको यहां पे देखने को मिलेगा
और इस पेज पे पहले से जो डिफॉल्ट एपीएन सिलेक्ट है उसे चेंज करके आपको ये नया वाला एपीएन सिलेक्ट करना है और अब आपको अपने फोन को एक बार रीस्टार्ट कर देना है। रीस्टार्ट करने के बाद से दोस्तों अब चलिए एक बार मैं अपने फोन में इंटरनेट स्पीड को चेक करके आपको दिखाता हूं। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो अभी ये 100 क्रॉस कर चुका है, 200, मेरे ख्याल से 230 50 तक जाना चाहिए, 237 एमबीपीएस का स्पीड अभी आ रहा है। तो इस तरह से आपको इस न्यू एपीएन को सेट करना है, उसके बाद आपको अपने फोन को रीस्टार्ट कर लेना है। आपको यहाँ पे 5G देखने को मिल जाएगा, 4G फोन होगा तो आपको यहाँ पे 4G देखने को मिलेगा और आपके फोन में इंटरनेट एकदम सुपर फास्ट चलेगा। चाहे आपका फोन 4G हो 5G हो, आपके फोन में दोस्तों कोई भी सिम हो, एयरटेल हो, जियो या फिर VI हो, इंटरनेट रॉकेट की तरह फास्ट चलेगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इसको लाइक और शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लेना। फेसबुक पे देख रहे हो तो आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लेना।